प्रॉफिट, तो आपका यहाँ पे दूसरा आ जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, एज पर विच मेथड, फीफो मेथड। फर्स्ट मुझे लिखना पड़ेगा सेल्स का अमाउंट कि भाई मैंने कितने में बेचा। उस सेल्स में से अगर ये मेरा मैं जो गुड्स बेचा है उसका ये कॉस्ट है वो माइनस कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अभी सेल्स का अमाउंट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए ना आपको क्वेश्चन में देखो दिया है जो जो यूनिट्स बेचे हैं ना उसका सेलिंग प्राइस दे दिया है। जो सेल्स था आपका पहला कितना था 200 यूनिट्स, सो यू विल से जो आपका फर्स्ट है वो 200 यूनिट्स है इनटू एट व्हाट प्राइस इट इज 22 के हिसाब से बेचा है। देन आपका सेकेंड 500 है जो 25 के हिसाब से बेचा है। फिर 400, 800, 500, 21, 28, 25, टोटल सेल्स मुझे पता चल जाएगा इससे 200 into 22, तो 200 बेचने से मुझे सेल हुआ 4400 का। फिर 500 को बेचा 25 के हिसाब से तो 12 500 400 into 21 8400 का सेल है, 22400 का सेल है, 500 बेचा 25 के हिसाब से तो 12500 का सेल है। तो टोटल सेल्स अमाउंट जो मेरा आएगा दैट विल बी 60,200। इसमें से मुझे लेस क्या करना पड़ेगा, लेस मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड। तो ये जो 22 बेचा था वो 18 के हिसाब से बेचा था, तो वो कैलकुलेशन सीधा मैंने यहाँ पे कर दिया है। मेरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 46,700, उसको मैं रिड्यूस करता हूँ, देन आई विल गेट माय प्रॉफिट का फिगर। सो 6200 माइनस 46, 13,500 इज प्रॉफिट इफ कंपनी फॉलोज विच मेथड, फीफो मेथड। सो क्वेश्चन का एक रिक्वायरमेंट अभी तक हुआ है दैट इज फीफो मेथड के हिसाब से। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है एज पर वेटेड एवरेज मेथड,